थाने के सामने से चोर भैंस खोल ले गए और पुलिस सोती रही। थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के मुंडा पांडे रामपुर हाईवे किनारे गुरमीत सिंह का घर है, जिसमें वह बाहर की तरफ पशुपालन करते हैं, लेकिन सुबह लगभग 4 बजे थाने के ठीक सामने दो चौकीदार भी चौकीदारी करते हैं। चौकीदारों के ठीक सामने चोर पिकअप में भैंसे भर रहे थे। शक होने पर चौकीदार ने टॉर्च का इस्तेमाल किया। टॉर्च का उजाला देखकर चोर एक भैंस लेकर मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर भैंस चोरी कर मौके से फरार हो गए। गुरमीत सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की नाक के नीचे से चोर पिकअप के अंदर भैंस को भर कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाती है। पुलिस प्रार्थी को आश्वासन देकर भेज देती है और अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस तहरीर लेकर चोरों की तलाश में जुट जाती है। मेरा नाम मनदीप सिंह है। क्या मामला हुआ है आपका? जी, हमारे यहाँ ये मामला हुआ है 4-5 के करीबन। हम जब दादा उठने का टाइम था, भैंसे बांधने का टाइम था, तो उठे थे वो, अभी लेट गए थे वो, अभी तो अभी टाइम सही नहीं हुआ था। तो जैसे ही हमें पता लगा, होम गार्ड ने देखा कि वहाँ पे भैंस खोली हुई है, तो उन्होंने हमें आवाज़ मारी। तो हम जैसे ही गए हैं तो दूसरी भैंस भी वो ऊपर चढ़ा रहे थे, जो कि वो छोड़ गए वहाँ पे, और दूसरी को ले गए वो। एक भैंस ले गए बड़ी वाली। अच्छा, थाने से कितनी दूरी होगी? थाने से बिल्कुल जस्ट सामने ही है। अच्छा, जो यहाँ पर होम ड्यूटी लगती है, रात को गश्त लगती है यहाँ पर पुलिस की? ना, यहाँ पर ड्यूटी किसी की नहीं लगती। थाने से कितनी मीटर दूरी होगा? थाने से ऐसे ही होगा 50 मीटर दूरी है समझिए। ठीक, थाने के ठीक सामने? ठीक सामने है बिल्कुल। किस टाइम घटना है ये? 4:05 से 10 मिनट लगती है। क्या नाम है जो जी? मेरा नाम मनदीप सिंह है, मेरे पापा का नाम गुरमीत सिंह है, और क्या कहते हैं, हमारे दादा का नाम प्रीतम सिंह है, जो चक्की वाले हैं सामने जो।